मैंने सनम तुझे प्यार किया है सिर्फ तेरा सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, झकास होंगे, कंटाप होंगे। क्या बोला तूने? तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एडिटिंग वीडियो लेकर, एंड इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग। गाइस अगर आप भी अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करके उसको एडिट करना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बिल्कुल अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। गाइस अक्सर आपने काइनेमेटिक एप्लीकेशन या फिर आप लोग पावर एडिटर एप्लीकेशन के अंदर स्लो मोशन आप लोग जब भी किए होंगे तो गाइस अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपको इसके अंदर 0.125 का स्लो मोशन मिलता है। और गाइस इससे ज़्यादा अगर आप लोग अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो गाइस किस एप्लीकेशन के अंदर अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग होता है और आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज देने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और गाइस हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग करने के लिए मैं जिस एप्लीकेशन को आप लोग को बताने वाला हूँ उसके अंदर आप लोग सिर्फ जो है अल्ट्रा स्लो मोशन एडिटिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग बाकी उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस बाकी वीडियो को मैं अभी एडिट करूँगा पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए मैं इसको जो है पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। गाइस अगर आप काइनेमेटिक एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डिवाइस के अंदर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग काइनेमेटिक एप्लीकेशन के भी अंदर इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? गाइस वैसे आपको सेम प्रोसेस करना है जो अभी मैं आप लोग यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको जो है जो भी आपने वीडियो क्लिप रखा हुआ अपने डिवाइस के अंदर उसको पहले आप लोग को ले लेना, ठीक है? और गाइस वीडियो क्लिप को लेने के बाद इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है। और गाइस जूम कर लेने के बाद आपको इस वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है और पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर ब्राइटनेस या फिर शार्पनेस जो भी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने तरीके से जो है अपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ा लेना है ताकि जो है वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है? तो मैं इतना गाइस अभी फ़िलहाल करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको वॉल्यूम को भी इसको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। गाइस इतना करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेडशॉट मारा इस बंदे को, ठीक है? और गाइस इस बंदे को हेडशॉट जब मैंने मारा और गाइस मार के जब मैं यहाँ पर रनिंग स्टार्ट करता हूँ तो गाइस यहाँ से जो है मैं इसको स्लो मोशन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है वीडियो पर और पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके जो यहाँ से स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यानी कि गाइस यहाँ पर आपको एक कट लगा देना है जहाँ से आप लोग स्लो मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं। और गाइस जहाँ तक आप लोग स्लो मोशन चाहते हैं वहाँ तक आपको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और उसके बाद जो है आप लोग को फिर से इस पर क्लिक करके कट लगा देना है, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर एक कट लगाना है और आपको एक एंडिंग पॉइंट पर कट लगाना है। गाइस कट लगाने के बाद बाकी जो दोनों साइड का पार्ट है उसको जो है डिलीट कर लेना है। गाइस डिलीट करने के बाद जो भी यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है जिसको आपने अभी कट किया था उसको यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है किसी भी आप लोग जो है यहाँ पर रिजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हमारा ये वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका है। और गाइस एक्सपोर्टिंग होने के बाद यहाँ से जो है आपको सिंपली बैक करना है। गाइस बैक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जिससे होगा ये कि जो भी आपने वीडियो को कट करने के बाद डिलीट किया था वो दोनों यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अभी हमारा आ चुका है आप लोग देख सकते हैं। गाइस जितना काम करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को अब बंद कर देना, ठीक है? गाइस अगर आप काइनेमेटिक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये सेम प्रोसेस आपको करना है। गाइस इसके बाद आप लोग को अब ओपन करना है अपना प्ले स्टोर, एंड गाइस प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसमें आपको टाइप करना है स्मूथ एक्शन कैम, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर पहले से यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसको यहाँ से जो है ओपन कर ले। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ओपन फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी रिसेंट वीडियो होगा, जो भी आपने गैलरी के अंदर रखा होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो गाइस अभी मैंने इस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था तो इसको अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो गाइस वीडियो को लेने के बाद पहले तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, और गाइस पॉज करने के बाद आपको यहाँ पर एक लीवर पुल देखने को मिल रहा है जो कि ये मेन ऑप्शन है। तो आपको लीवर पुल को आपको नीचे खींच कर जो है इसको आपको 13% पर कर लेना है, 100% से इसको 13 पर कर लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कोने में ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट एंड शेयर का, तो आपको इस पर क्लिक करके
आपको इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है गाइज। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले सकता है, 1 मिनट या फिर 2 मिनट, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है गाइज। इसके अंदर आप लोग किसी भी चीज़ को और एडिट नहीं कर सकते हैं सिवाय आप लोग स्लो मोशन के, तो इसलिए मैंने आप लोग को पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर करके बताया। तो चलिए इसको फिलहाल अभी होने देते हैं एक्सपोर्ट और मिलते हैं गाइज एक्सपोर्ट होने के बाद। तो गाइज फाइनली हमारा ये भी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड गाइज कट करने के बाद मैं फिर से ओपन करूँगा यहाँ पर अपना पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन। एंड गाइज इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ जिसमें मैंने अभी वीडियो को एडिट कर रहा था, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर आने के बाद तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जूम ही करना है। एंड जूम करने के बाद आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आना है वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ देखने को मिल रहा होगा स्मूथ एक्शन कैंप का, जिसके अंदर आपका जो है उस एप्लीकेशन का एक्सपोर्टिंग वाला वीडियो होगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को ले लिया हूँ और इस वीडियो को लेने के बाद आपको जो आपको छोटा सा कट देखने को मिल रहा है जिसको आपने कट किया था उस पर क्लिक करके उसको जो यहाँ से डिलीट कर देना है। एंड गाइस इसको डिलीट करने के बाद अभी जो आपने वीडियो को अभी लाया इस वीडियो को आपको जो है वहाँ पर जाकर सेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर उसको सेट कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पर वीडियो सेट हो गया, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ पर एक सॉन्ग को भी ऐड कर लेता हूँ, छोटा सा सॉन्ग मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ ताकि जो है देखने में हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो है एक सॉन्ग को भी ऐड कर लिया है। गाइज आपने जहाँ जहाँ हेयर शॉट मारा है आप लोग वहाँ वहाँ पर आप लोग कट कर इस तरीके से आप लोग जो है इसको स्लो मोशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आप लोग यहाँ पर एक जगह पर ही कट करके स्लो मोशन करके बताया है। तो गाइज आप लोग कुछ इसी तरीके से आप लोग और भी अपने हेयर शॉट वाले जो है आप लोग वीडियो क्लिप को कट कर करके आप लोग इसको स्लो मोशन आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।